सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 अप्रैल 2013 जे और विजय क्या करते हैं, एंटर करते हैं इनटू पार्टनरशिप। सप्लाई क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट स्कूल को जो सिचुएटेड कहाँ है, रिमोट या बैकवर्ड एरिया के अंदर है। और दे कंट्रीब्यूट कैपिटल लगा रखी है 80,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। एग्री क्या करते हैं, जो प्रॉफिट लॉस है वो 3:2 रेशियो के अंदर शेयर करेंगे। और पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 9% पर एन। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 7,800। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका, जे का और विजय का। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जे है भाई साहब और एक विजय भाई साहब है, दोनों ने पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर। और कितना कितना लगा रखा है, एक ने 80,000 लगा रखा है और दूसरे ने कितना, 50,000 लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहते हैं प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो रहेगी इनकी 3:2 रेशियो रहेगी। कहता है जो प्रोफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना दिया जाएगा, 9% दिया जाएगा। कहता है प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ है 7,800। तो भाई सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ लिखो अपना जो प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 7,800। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, दे दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देनी है, जय को देनी है और विजय को देनी है। जय को कितनी देनी है, 8 के अकॉर्डिंग कितनी, अगर हम बात करें 8 के अकॉर्डिंग कितनी बनेगी, इंटू 9%, तो कितना बनेगी, ये बनेगी 709% है तो ये बनेगी 7,200, 7,200। और 5 के अकॉर्डिंग ये बनेगी 4,500, तो 7,200 और 4,500, 7,200 प्लस कितना हो जाता है 4,500, तो ये कितना बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी 11,700, 11,700। ठीक है, उसके बाद कुछ देना है आपको, सैलरी वगैरह देनी है किसी को, कोई सैलरी के बारे में बात नहीं है। अब कितना है प्रॉफिट आपका, कितना है ये प्रॉफिट तो था आपका कितना, 7,800, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट ऑन क्या देना है, कैपिटल देना है, वो कितना देना है, 11,700। तो ये दिक्कत आ गई ना, दिक्कत क्यों आ गई, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट हुआ 7,800 का, लेकिन आपने जो देने हैं वो देने हैं 11,700। तो इस केस में हम क्या करें, तो हमारे पास इस केस में दो ऑप्शन बनते हैं, या तो क्या करें हम, कंपनी को लॉस होने दो, फर्म को लॉस होने दें कि भाई 7,800 हम तो कितने दे दें, 11,700 दे दें। या फिर दूसरा केस क्या कर सकते हैं हम, कि कितने पैसे दे दें, सिर्फ 7,800 रुपये, मतलब 7,800 हम अमाउंट दें। तो अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कंपनी को फर्म को लॉस होता रहे, आपने फुल अमाउंट पे करना है, तो आपने कितना करना है, 11,700। अगर कंपनी का जो, अगर हम बात करें क्वेश्चन अगर साइलेंट है, यहाँ देखो क्वेश्चन साइलेंट है, इसने ये नहीं बोला कि भाई अगर कंपनी को लॉस भी होता है तब भी आपने पेमेंट करनी है, तो हम कौन सा केस करेंगे, ये सेकंड वाला केस करेंगे, कौन सा, 7,800 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, एक को तो देने हमने 7,200 रुपये और दूसरे को क्या देने हमने, 4,500। तो इनकी रेशियो निकाल लेते हैं कि किसी को नुकसान ना हो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो ये रेशियो कितनी होगी, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 3 से इसको करें, 72 को 3 से करें, 72 को अगर 3 से करें तो कितना आएगा हमारे पास, अगर हम 72 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 24। अगर हम 45 को 3 से करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 15। ठीक है, और अगर हम अब भी इसको छोटा करना चाहें तो 8 से इसको कर सकते हैं, 3 8 24। अगर हम बात करें 3 5 15 तो हमारी जो रेशियो वो क्या बनेगी, 8:5,
इसमें हम क्या कर देंगे, जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अमाउंट कितना है हमारा, 7800, और 8 और 5 कितने होते हैं, ये होते हैं 13, 13। तो किससे डिवाइड करोगे, जो आपका 7800 अमाउंट है इसको आप कितने से डिवाइड करोगे, 13 से डिवाइड करोगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हर हिस्से में कितने आ जाएंगे, 600 रुपये आ जाएंगे, मतलब 600 आ जाएंगे। इसको कितने देने हैं, 8 देने हैं, तो इसको कितने दे दोगे आप दे दोगे इसको 2400। किसको दे दोगे, ये जय को। कितने दे दोगे इसको, इसको दे दोगे आप 8 के अकॉर्डिंग, 8 6 4800, कितने दोगे आप 4800, 4800, 4800 किसको दे दोगे आप, जय को। और विजय को कितना देने हैं, 600 करोड़, 6 5 30, तो विजय को इतना दे दोगे 3000। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 7800। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, आंसर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, 7800, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 7800। दोनों अमाउंट क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। अगर आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD, ब्रोट डाउन। ब्रोट डाउन कितनी कैपिटल थी उनकी, एक की थी 80,000 और सेकंड की थी 50,000, ठीक है ना। किसकी थी, ये थी जय की और ये थी विजय की, ये जय और ये कौन था, विजय। उसके बाद क्या मिला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो अमाउंट मिला, किसको, जय को कितना मिला, 4800 मिले, और विजय को कितने मिले, 3000 मिले। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, 53,000, और इसका कितना हो जाएगा, 84,800। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 84,800, यहाँ कितना आ जाएगा, 53,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 53,000, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 84,800। और यहाँ क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD कैरी डाउन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका दूसरा केस भी हो सकता है, और दूसरा केस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, जब आएगा हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लॉस होने से, तो हम क्या करेंगे, ये फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो लॉस है ये लॉस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, ये करेंगे हम, एक तो करेंगे जे के और एक विजय के। लॉस कितना हुआ है, टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया है, 11,700, 11,700, और इसमें से हमारे पास अमाउंट कितना था, हमारे पास तो 7800 था, 7800 हमारे पास आ गया, तो बच गया कितना, ये बच गया 3900, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, फुल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 11,700, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 11,700 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 3900 का लॉस कौन लेगा, ये लेंगे जय और विजय। किस रेशियो में, रेशियो देर के क्वेश्चन के अंदर ये देर किया 3:2। तो अगर हम बात करें 3900 को कितने से डिवाइड करना है, 3:2 से, तो डिवाइड कितने से करो, 3 और 2 5, तो डिवाइड करोगे 5 से, तो हर हिस्से में कितने आ जाएंगे, 780। एक को कितने देने हैं, एक को देने हैं 2, 2 हिस्से किसको देने हैं, इसको विजय को, तो विजय कितने देगा, 1560 रुपये देगा। अगर बात करें जय की, जय कितने देगा, जय देगा 780 एक हिस्से में है, और इसको कितने हिस्से देने हैं, इसको देने हैं 3 हिस्से, तो ये कितने देगा, ये देगा भाई 2340 रुपये देगा। तो इस प्रकार से हो सकता है, अगर क्वेश्चन क्या बोल दे कि भाई क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कंपनी प्रॉफिट हो या बिजनेस को लॉस हो, आपने जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा, एज अ चार्ज आपने अगर कंसिडर करना है, भाई देना ही देना है, तो हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो हमने ग्रीन पेन से किया हुआ ये करेंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।